ये गाना है बेकरार करके हमें यूं ना चाहिए और 20 साल बाद मूवी से। ये गाना स्पेशल रिक्वेस्ट पे आया है साधना शर्मा की तरफ से। साधना जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने ज़्यादा सुना नहीं है ये गाना, और थोड़ा सा प्रैक्टिस किया और सुना और बस निकाल दिया। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप इजी तरीके से बताऊंगा और आप सीख लोगे। अगर आपको ज़्यादा प्ले करना भी नहीं आता, आप बिगनर हो और सुपर बिगनर हो, तब भी आप सीख लोगे। मुझे मालूम है आपने काफ़ी पहले ये गाना रिक्वेस्ट किया था, पर वो ये ना कि इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर, तो देर है पर अंधेर नहीं। तो कोई नहीं, आप आशा करता हूँ जितना ये गाना साधना को, ये ट्यूटोरियल मेरा सॉरी, साधना को पसंद आएगा उतना ही मैं आशा करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है आपको भी उतना ही मजा आएगा और आप भी सीखना चाहोगे। तो अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ साधना, आप ध्यान से देखना, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा। आप सुपर बिगनर हो ज्यादा नहीं आता हो प्ले करना, कोई बात नहीं, आप बस सिर्फ देखना, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा मैं। मैंने ज्यादा ये गाना सुना नहीं है और थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, प्ले किया तो निकाल लिया है, तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो डी माइनर पे है ये गाना, तो डी माइनर नोट से, तो आप सिर्फ फिंगर देखना मेरा और जल्दी से सीख जाना। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, सिर्फ साधना नहीं है, सिर्फ जो भी देख रहा है आप भी देखो, ध्यान से देखो, ये आपके लिए भी है और आप इजी तरीके से बिल्कुल सीख जाओगे। तो हमारा है डी माइनर, डी माइनर में थर्ड फिंगर से शुरू कर रहा हूं, थर्ड फिंगर, थर्ड फ्रेट और बी स्ट्रिंग, तो सेकंड फिंगर जी पे टू, थ्री थ्री जी पे टू, देन ये फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक बेकरार करके हमें इसका मैं यही बताऊंगा, अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो तो मैं मन में गाता हूँ, जब मैं मन में गाता हूँ तो वो ही प्ले हो पाता है, वो ही फिंगर्स पे चलता है। तो आप और मैं लिरिक्स को, सॉन्ग के लिरिक्स को मैं तोड़ लेता हूँ, जैसे कि बेकरार की जगह मैं गिटार की धुन प्ले करने लगता हूँ माइंड में, टिंग डिंग 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 डिंग, तो उससे हेल्प मिलता है मुझे। तो आप सीखना चाह रहे हो तो आप भी मन में सिर्फ सोचते रह करो, ये गाते रह करो, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया था, बे देन फाइव पे थर्ड फिंगर, या फिंगर देखना मेरा, फिंगर बहुत मेन होता है, ये जल्दी से है। थर्ड फिंगर से ये ट्राई किया करो आप, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, स्लो प्ले करो, लेकिन आप 100 से 200 टाइम्स जब प्ले कर लोगे तो आपका फास्ट हो जाएगा। तो यू ना जाइए, ये जल्दी से है, तो सेकंड फिंगर यूज है, 10 11 10 11, सेकंड फिंगर से 10 8, देन 6, आप पार्ट्स पार्ट्स पे प्रैक्टिस करना तो इजी हो जाएगा। टिंग डिंग डिंग, पूरा एक बारी में मत करना, आप धीरे धीरे पॉज करके, स्लो करके, रोक के, जब भी मेन होता है, जब आप वीडियो देख रहे हो तो गिटार लेके बैठो, ठीक है, और साथ के साथ जहां पे पोज हो, फर्स्ट पार्ट में बोलता हूं वहां पे प्रैक्टिस करो। तो ये फर्स्ट पार्ट, इसे पक्का कर लो, फिर सेकंड,
ठीक है, 10 11 10 8 6 यू न जाइए, फिर लास्ट पार्ट एक बार सुपर स्लो यहां तक। लास्ट पार्ट टू टाइम, लास्ट जंप वन थ्री टाइम्स, सारा ऐसे स्ट्रिंग्स पर बी पे देख लो एक बार, सिर्फ शुरू में लेते हैं हम जी। स्लो प्ले कर सकते, और दूसरा ये वाला स्लो करते हैं, मैं इसका बता चुका हूं आपको, और अगर आप ऐसे भी प्ले करना चाहते हैं तो सिर्फ देख लो स्लो, इसका मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऐसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से आ गया हो, और प्लीज कमेंट में लिखा करो मुझे कि कोई दिक्कत होता है या प्रॉब्लम होती है सीखने में, तो ताकि मैं करूँ। और हाँ, आपको